नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हंसती खेलती जिंदगी आपकी चल रही होती है और अचानक से डायरी का एक पन्ना आपके सामने खुल के आ जाता है, जिस पे लिखा हुआ है कि आपका एक बच्चा है, नाजायज बच्चा है, और ये जो बच्चा आपने पैदा किया है ये एक गलत काम से आपका बच्चा पैदा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर मुझे इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ती है तो जब नाजायज शब्द का प्रयोग बच्चे के लिए होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, समाज कुछ ऐसी चीज़ें बनाए बैठा है कि उसको उसी भाषा में समझ में आती है। आज जो मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रही हूँ, उस कहानी में अचानक से एक माँ के सामने डायरी का वही पन्ना सामने आ जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और वही बेटा उसके सामने आ जाता है। बहुत ही उसकी असहज स्थिति हो जाती है जब सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में उसके सामने खड़े हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक से उसका वो बच्चा सामने आ जाता है जिसको उसने 12 साल की उम्र में जन्म दिया था। वो इतनी नादान थी उस समय, इतनी बच्ची थी कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, उसके जिस्म के साथ क्या हुआ, लेकिन वो डरी रहती थी और उन लोगों का कहना मानती थी जो उसके साथ गलत काम करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारी बहन को मार देंगे, तुम्हारे जीजा को मार देंगे अगर तुमने अपनी बहन को बताया तो। खैर, जब उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ताकि उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाए, तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत छोटी बच्ची है और जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है ये उसको जन्म दे देगी तो बच जाएगी। अगर हमने कुछ छेड़छाड़ की प्रकृति के विरुद्ध तो इस लड़की की भी जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आखिरकार उस बच्चे को जन्म देना पड़ा। आखिरकार वो एक बिन ब्याही माँ बन जाती है और एक और दर्द उसकी ज़िंदगी में जुड़ जाता है उसी दिन से कि उस बच्चे को जन्म देने के बाद वो कभी अपनी गोद में उसको एक क्षण के लिए भी रख नहीं सकी। उसको उसी दिन उसके बच्चे से अलग कर दिया गया और समय के साथ वो बड़ी होती जाती है। करीब 28 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। पुरानी सभी बातें भुला देते हैं, भुलाने को लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो दाग जो उसके माथे पे लग चुका था, वो कहते हैं ना कि कपड़े से दाग एक बार धुल सकता है, लेकिन आपके माथे पे लगा दाग जिंदगी भर वहाँ से हटता नहीं है। वो आपको बार बार आपके चाहे आप उसमें दोषी ना हो, फिर भी आपके दोष की वो याद दिलाता रहता है। और ये जो लड़की है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में दो लोगों ने इसके साथ गलत काम किया, बच्चा हुआ और शादी हो जाती है बाद में, और इस लड़की के पति को इस बात की भनक लग जाती है। तब तक वो लड़की ससुराल में जा कर के एक और बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन ये बच्चा जो है नाजायज नहीं था। इसके पिता थे, बाकायदा इसके पिता का नाम था
अब जो पुराना पन्ना उसकी जिंदगी का उसके सामने खुलता है, उस वजह से जो पुराना दाग होता है वो लड़की के चरित्र पे ही उठाया जाता है। फिर वो अकेली हो जाती है, न अपने परिवार की न अपने ससुराल की। अब जो लड़का नाजायज था उसे कोई दूर का रिश्तेदार पाल रहा होता है, उसे भी पता चल जाता है कि जिस गोद में वो पल रहा है, बड़ा हुआ है, वो उसके असली माता पिता नहीं है। तो फिर उसके पिता कौन है? ये पता लगाने के लिए वो अपनी असली माँ के पास आता है। उसकी माँ की जिंदगी में पहले से ही परेशानियाँ बहुत होती हैं, पति के सवाल, समाज के सवाल, ससुराल के सवाल, और उसी बीच में इस बच्चे का भी सवाल आ जाता है कि मेरा बाप कौन है। अब आप समझ सकते हैं कि उस औरत की जिंदगी में कितने सारे सवाल होंगे। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। यहाँ पर एक 12 साल की उम्र में एक लड़की के साथ गलत काम होता है, दो लोग उस घटना को अंजाम देते हैं, गलत काम को, और पूरी घटना के करीब 28 साल के बाद एक बार फिर से वो घटना उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब बेटे के कहने पे माँ उन दोनों दरिंदों का नाम भी बताती है। बेटा और माँ दोनों थाने जाते हैं, पुलिस से इस घटना की शिकायत करते हैं, FIR करने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने सालों की घटना, यानी कि 1954 की घटना, और इसको दर्ज कराने के लिए वो लोग जाते हैं 4 मार्च 2021 को। पुलिस भी बहुत हैरान होती है, पुलिस पर दबाव बनता है, तो जांच शुरू होती है। बेटा बार बार एक ही बात कहता है कि इसमें DNA टेस्ट कराया जाए, और इसमें माँ बेटे के साथ एक जो गलत काम करने वाला बंदा होता है उसका DNA मैच हो जाता है, जिसके बाद पुलिस एक और आरोपी को अरेस्ट करती है, जबकि जो मुख्य आरोपी DNA सैंपल देने के बाद से ही फरार हो जाता है। उसकी तलाश आज तक जारी है, और बहुत दर्द भरी ये कहानी है। वो दुखियारी महिला कहती है कि जब वो 12 साल की थी, पढ़ने के लिए अपनी बहन के पास आई थी शाहजहांपुर में, बहन स्कूल में टीचर थी, और जब बहन बहनोई घर से बाहर निकलते थे तो दो लड़के घर में घुस आते थे, वही उसके साथ गलत काम करते थे। और वो जो इतने साल पहले का टॉर्चर वो याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको खुद ब खुद उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उन लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, और फिर वो लोग उसको धमका कर भी जाते हैं कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके बहनोई को वो जान से मार देंगे। अब छोटी बहन क्या करे, अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। जब बहन डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। घर वालों ने अबॉर्शन कराने के लिए मन बनाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, अबॉर्शन करने से उसकी जान को खतरा हो सकता था। मजबूरी में डिलीवरी करानी पड़ी। आज बहुत सारे कानून इतने समय के बाद आ चुके हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून भी नहीं था, न जाने कैसे उस बच्चे की डिलीवरी करवाई होगी। अच्छा, इसकी शिकायत उसके बहन बहनोई ने, उन दोनों लड़कों के घर वालों ने की जब उस समय, तो दोनों ने बहन बहनोई को ही बुरी तरीके से मारा पीटा। इस बदनामी से, इस हादसे के बाद उसके बहन बहनोई ने रामपुर से अपना ट्रांसफर करा लिया, और
फिर जब वो नए शहर में जाते हैं तो वहाँ उसके बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे को माँ ने कभी देखा नहीं, अपनी गोद में कभी खिलाया नहीं, लेकिन उसकी माँ ने उस बच्चे को किसी और को दे दिया। और माँ बाप ने उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। उसके बाद दिन गुजरते गए और 2000 में उसकी शादी हो जाती है, खुशहाल जिंदगी शुरू होती है। लेकिन अचानक से उसके पति को इस घटना की जानकारी हो जाती है। उसके बाद परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। आखिर में जो बेटा शादी के बाद पैदा हुआ था उसको लेकर के वो लखनऊ आ जाती है। जिस बेटे को गोद दे दिया गया था, यानी कि 12 साल की उम्र में जिस बच्चे को उसने पैदा किया था, लोग वहाँ उसकी हालत ख़राब कर रहे होते हैं, उसे नाजायज औलाद कहते हैं, उसे कई तरीके से उसे टॉर्चर करते हैं। और जिन लोगों ने वो बच्चा गोद लिया था वो रिश्तेदारी के ही थे, इसलिए सबको पता चल गया था कि वो उसी का बेटा है, यानी कि जिस औरत की मैं कहानी कह रही हूँ आपके साथ। अब जब उसे मौका मिला तो वो उसके सामने आ गया और सवाल करने लग गया। आप समझ सकते हैं कि इस समय वो औरत कितने सारे सवालों के जवाबों में फंसी हुई थी। एक तरफ समाज सवाल कर रहा था, दूसरी तरफ अचानक से वो बेटा भी जो उसने 12 साल की उम्र में पैदा किया था वो सामने आ जाता है। अब वो कैसे कहे, वो उससे बार बार पूछता है कि उसके पिता कौन है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन तुम्हारे पिता का मुझे पता नहीं। खैर, बहुत दिनों तक इस बात को टाला नहीं जा सकता था, वो चुप कराती रही। लेकिन आखिर एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उसने जिद पकड़ ली कि उसे उसके पिता चाहिए। वो कहता था कि सबके पिता है लेकिन उसके पिता नहीं है, उसे जानना है कि उसके पिता कौन है। एक दिन उसने, जब वो अच्छा जवान हो गया, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मुझे बताओ मेरे पिता कौन है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। आप मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मुझे गंदा खून और ना जाने क्या क्या कह कर के मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, मैं कैसे जीऊँ। फिर जब देखा कि बात जो है ज़्यादा बढ़ रही है तो उसने अपनी पूरी बात बेटे को बताई। शायद उसे लगा होगा कि अब बेटा भी कुछ समझदार हो गया है तो उसकी बात को वो समझ पाएगा। उसे ये भी लगा कि शायद अब ये मेरे साथ खड़ा हो गया है। बात सुन करके बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है, अब वो लड़ाई दोनों इकट्ठे लड़ेंगे। बहुत कठिन वक्त था जिस समय उसने उस बच्चे को जन्म दिया था, देखा भी नहीं था, लेकिन जब 10 साल के बाद देखा तो अपनी भावनाओं को वो किस तरीके से उसने कंट्रोल किया ये कहना बहुत मुश्किल है। सच में ऐसे हालातों को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक तरफ जहाँ शादी हुई थी पति ने छोड़ दिया, वहाँ एक बच्चा होता है वो उसकी गोद में है, एक बच्चा वो जो 12 साल की उम्र में उसने पैदा किया था, कितनी मुश्किलों में थी उसकी ज़िंदगी। अब वो बेटा जिसे उसने 12 साल की उम्र में पैदा किया था वो उसके साथ खड़ा हो गया था, सपोर्ट मिल रहा था। उसने कहा कि तुमने जो सजा भुगत ली, अब उनके सजा काटने की बारी है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। उन लोगों ने न केवल माँ की ज़िंदगी ख़राब की थी बल्कि उस बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब की थी। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि वो लोग सुकून से रह रहे हैं, ऐसा वो आगे नहीं कर पाएंगे, उनका सुकून वो ख़त्म कर देगा। दोनों को एक दूसरे से बहुत हौसला मिला और वो अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। उसे पता नहीं था कि उसके इस
जिन लोगों ने गलत काम किया है उनमें से वो दो भाई थे, उनमें से ये किसका बेटा है, क्योंकि उन दोनों भाइयों के डीएनए की सैंपलिंग हुई और उनमें से एक जो भाई था वो फरार हो जाता है, छोटा भाई पकड़ा जाता है। जो छोटा भाई पकड़ा जाता है उसका नाम गुड्डू है और जो फरार हो जाता है उसका नाम है नकी हसन। शुरू में पुलिस का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था और जब वकील से बात हुई तो भी वकील ये कह रहा था कि कोई सबूत नहीं है, कैसे करेंगे, एक साल दो साल का मामला हो तो सबूत मिलने में आसानी होती है, 27 साल बाद बात खुल रही है, कैसे सबूत इकट्ठा करेंगे। लेकिन फाइनली 4 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस ने भी फिर सपोर्ट करना शुरू किया। हालांकि दोस्तों इस कहानी में जो मेन आरोपी है वो फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेंगे, जो सजा इस औरत ने, इस बेटे ने काटी है वो सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप ये देखिए कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि उनको ना समेटते बनता है, ना उनको किसी से शेयर करते बनता है, ना उन हालात से भागने की हिम्मत होती है, ना उन हालात को फेस करने की हिम्मत होती है, जैसा कि इस औरत के साथ हुआ। 12 साल की बच्ची क्या होती है, ठीक से जिंदगी के मायने भी नहीं समझे होते। उस समय ये बच्चे को जन्म दे देती थी और बाद में वही बच्चा, वही लड़का उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पिता कौन है। और अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, एक भाई गिरफ्त में है, दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि पुलिस जानती है कि किस तरीके से अगर उसे केस को सॉल्व करना है तो दूसरे भाई को वो हो सकता है, जब तक आप ये कहानी मेरी सुन रहे हो तब तक दूसरा भाई भी पुलिस के गिरफ्त में आ जाए। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।